आज हम नेटवर्क थ्योरी के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क थ्योरी में जब न्यूमेरिकल आपको करने हैं उसके लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की ज़रूरत होती है। अगर वो आते हैं तो ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, अगर आपको वो नहीं आते हैं तो आप ना तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे और ना ही आप थ्योरम्स को प्रूव कर पाओगे। तो इनको ध्यान से समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए मेरे को कमेंट बॉक्स में या मेरे को मैसेज के थ्रू आप इन्फॉर्म कर देना, सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई जिससे मैं एक्सप्लेन कर सकूं। अगर ये समझ में नहीं आया, सीरियसली बोल रहा हूँ, आगे आपको नेटवर्क में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सबसे पहले बात करूँगा मैं वोल्टेज सोर्सेज के बारे में और करंट सोर्सेज के बारे में। इसमें दो कैटेगरी मैंने डिवाइड करी है, देख लेते हैं, मेरे साथ में लिखते जाना, बेहतर ये होगा, लिखना ज़्यादा बेहतर होगा और जिसको लिखना नहीं है वो लास्ट में जाके स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। सबसे पहले आता है आपका इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स में आपकी दो हो गए, एक तो वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स को ये मैंने इस तरीके से आपको बना दिया, मान लो इसका जो वैल्यू है 3 वोल्ट है, कुछ भी मैंने मान लिया। तो ये हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये हो जाएगा सर आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। यानी कि ये सर्किट के अक्रॉस जब आप इसको लगाएंगे, ये कोई नेटवर्क है और ये कोई नेटवर्क है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा दैट विल बी 3 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ से इस नेटवर्क में जो करंट जाएगा इसके थ्रू वो जाएगा आपका 2 एम्पियर का करंट। इसका इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि इसका जो वोल्टेज है वो कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर नेटवर्क पैरामीटर्स अगर चेंज होंगे तो उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज रहेगा वो 3 वोल्ट का 3 वोल्ट ही रहेगा। यहाँ पे भी वही बात है कि नेटवर्क के पैरामीटर्स चेंज होंगे तो यहाँ से जो करंट सप्लाई कर रहा है बेसिकली करंट सोर्स, उसकी सप्लाई जो है आपका 2 एम्पियर ही रहेगी, वो सप्लाई में चेंज नहीं आएगा। ये आपका हो गया आपका इंडिपेंडेंट सोर्स। उसके बाद आता है डिपेंडेंट सोर्स। सर डिपेंडेंट सोर्स में आपके चार होते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। पहला आएगा, पहले डायग्राम बना लीजिए, समझने में आसान रहेगा उससे। इसका साइन अलग तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ आप देखोगे ये राउंड इसमें दिखाया है मैंने, यहाँ पे इसको इस तरीके से दिखाया जाता है डिपेंडेंट सोर्स, जिससे कि डिफ्रेंशिएट कर पाओगे डिपेंडेंट सोर्स कौन सा है और इंडिपेंडेंट सोर्स कौन सा है। तो ये यहाँ से पता चल रहा है आपका ये वोल्टेज सोर्स है, ये के यहाँ पे कांस्टेंट है, वी डिपेंडेंट का मीनिंग कैसे समझने की कोशिश करना। यहाँ से डिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि ये जो वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स का जो वैल्यू है वो इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। इस वोल्टेज का अगर वैल्यू यहाँ से चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू भी चेंज होगा। इसको कहा जाएगा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स है और किस पे डिपेंडेंट है, वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली नाम क्या होगा, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। दूसरा आपका ये भी डिपेंडेंट सोर्स की कैटेगरी में आता है, ये साइन से पता चल रहा है आपका ये वोल्टेज सोर्स है, लेकिन यहाँ पे चेंज देखना, यहाँ पे वोल्ट था, यहाँ पे वोल्टेज की फॉर्म में लिखा हुआ था और यहाँ पे ये करंट की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका वोल्टेज सोर्स की जो वोल्टेज की वैल्यू है वो इस करंट पे डिपेंडेंट है। इस करंट की वैल्यू में अगर कोई चेंज आता है तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज की वैल्यू में चेंज आएगा, कि यहाँ पे वापस पहले की तरह कॉन्स्टेंट है। तो इसको क्या कहा जाएगा, वोल्टेज सोर्स तो ही है, डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पे, तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसको कहा जाएगा आपका करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इसको कहा जाएगा आपका वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। जल्दी से कॉपी कर लो जिससे मैं आगे बढ़ सकूं।
ठीक है, मैं नेक्स्ट चीज ले रहा हूं। तीसरा हो गया आपका, पहले साइन देख लेते हैं उसके बाद आगे बात करेंगे। साइन से पता चल रहा होगा करंट सोर्स है। तो इसका नाम क्या होगा पहले देखो, है क्या ये करंट सोर्स है, डिपेंड किस पे कर रहा है, वोल्टेज पे। इस करंट सोर्स के जो करंट की वैल्यू है इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, तो इसका नाम क्या होगा सोच के देखिए एक बार। कैसे हुआ, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट है क्या, करंट सोर्स, यानी इसका नाम हो गया वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। चौथा देखो, साइन देख के और जो मैं फॉर्मूला लिखूँ उसको देख के खुद से बताने की कोशिश करना कि क्या है वो। इस साइन से पता चल गया कि करंट सोर्स है भाई। और इस साइन से क्या पता चला, ये करंट सोर्स तो है और इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, सर्किट के पैरामीटर्स के थ्रू जो करंट निकल के आएगा, जो भी उसमें किस पे डिपेंड कर रहा है वो सारी चीज़ें मैं आगे समझाऊंगा कि इस करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी। लेकिन इस करंट की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ही इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी यहाँ पर। तो बताओ ये क्या है, इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा आपका करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। जल्दी से नोट कर लो। इस पर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। मान लो ये बना दिया आपका, और ये बना के यहाँ से पूछ लेगा ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, वोल्टेज वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये क्या है। वो चार ऑप्शन आपको दे देगा और उसमें से आपको एक टिक करना होगा। ये तो चीज़ हुआ आपका ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव पेपर में क्या होगा, इस पे यहाँ पे इसकी जो है ये इस तरीके से आपने कुछ दे दिया, नेटवर्क में लगा के दे दिया, और आपको वो नेटवर्क में न्यूमेरिकल टाइप न्यूमेरिकल फॉर्म में दे देगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। जब आपको ये साइन ही पता नहीं होगा और इसका फंडामेंटली पता नहीं होगा तो आप न्यूमेरिकल ही नहीं कर पाओगे। ये जल्दी से नोट कर लो। अभी जो मैंने डिफरेंस की बात करी है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स में डिफरेंस की बात करी है। अब मैं एक बार एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में डिफरेंस देख लेते हैं, मैं क्लियर कर रहा हूँ ये सारा। पहले मैं बात करूँगा वोल्टेज सोर्स की, थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं उससे आसान होगा तो समझने में आपको। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपकी बैटरी को शो कर रहा है। ये कोई नेटवर्क है और यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। अब इसको आप देख के बता सकते हो कि ये वोल्टेज सोर्स है। मान लिया इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 5 वोल्ट, ये मैंने एज्यूम किया है समझाने के लिए। अब वोल्टेज सोर्स है तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि आपको जब इस तरीके से दिखाया जाए तो यहाँ पे जब करंट आपको सर्किट में दिखाना हो
तो ये पॉजिटिव प्लेट जो होती है उससे बाहर की तरफ निकलते हुए आपको करंट को शो करना है, ये आपका नेटवर्क है। तो आप मुझे यहाँ बताइए कि इन दोनों टर्मिनल पे कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, कि जब यहाँ 5 वोल्ट लगा हुआ है इसके एग्जैक्टली पैरेलल में, तो यहाँ पे कितना वोल्ट अप्लाई होगा? 5 वोल्ट ही तो अप्लाई होगा। अब बात आती है ये कोई नेटवर्क है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिप्लेस करके कोई वैल्यू डाल के देखता हूँ, इसी में एक वैल्यू डाल के देखता हूँ। पांच वोल्ट, ये कोई रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने यहाँ पे, मैंने कहा था ना ये नेटवर्क है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा दिया। मान लो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है आपकी 1 ओम। सर यहाँ से करंट जो है फाइंड आउट करना है मेरे को, मैंने इस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस नेटवर्क में आपने वोल्टेज सोर्स लगा रखा है। अब मैंने अगला सवाल किया कि आपका वोल्टेज सोर्स तो है, इस वोल्टेज सोर्स से यहाँ पर करंट कितना जा रहा है, क्या बता सकते हो देख के कि आपको वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे पता है? तो क्या इस वोल्टेज की वैल्यू को देख के, और यहाँ पे ये नेटवर्क है जहाँ पे कि मैंने आपको पैरामीटर्स नहीं बताए हैं, तो पैरामीटर नहीं बताने के बावजूद आप ये तो बता सकते हो भाई ये 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, वो क्लियरली मेरे को दिख रही है। लेकिन यहाँ से इस खुद के वोल्टेज सोर्स से कितना करंट पास हो रहा है उसको आप देख के बता पा रहे होगा? नहीं बता पा रहे हो। देखते हैं आप बता पाते हैं नहीं बता पाते। मान लो मैंने इसको यहाँ इस नेटवर्क में मैंने रख दिया आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे करंट निकाल के देखते हैं। सिंपली आई इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये सोर्स है और ये यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर। वी कितना है यहाँ पे? 5 वोल्ट है। आर कितना है? 1 ओम। करंट कितना आ गया? 5 एम्पियर। यानी कि यहाँ से करंट कितना जा रहा है? 5 एम्पियर जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ चेंज करते हैं और फिर देखना क्या होता है। मान लो मैंने रेजिस्टेंस रख दिया, इस बार 5 ओम ही रख दिया। लो अब 5 ओम रखने पे करंट कितना जाएगा देखो, देखते हैं। अगेन वी अपॉन आर, वी कितना है? 5। आर कितना है? 5 5/5 कितना हुआ? 1 एम्पियर। अब यहाँ से करंट कितना है? 1 एम्पियर। देख के कुछ समझ में आ रहा है? देखो वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट है, मैंने अगर रेजिस्टेंस को चेंज किया तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस मैंने चाहे 1 रखा चाहे 5 रखा, यहाँ वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट है, बट करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। पहले कितनी थी? 5 एम्पियर। दूसरी कंडीशन में कितनी हुई? 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करंट अक्रॉस वोल्टेज सोर्स, इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस करंट, यानी अक्रॉस का मतलब यहाँ से जो पास हो रहा है किसके द्वारा डिसाइड हो रहा है? लोड के द्वारा डिसाइड हो रहा है। ये लोड ही तो है, ये नेटवर्क जो है ये बेसिकली लोड है यहाँ पे, ठीक है। ये मान के चलो कि मैंने बल्ब लगा दिया है, पहले 1 ओम का बल्ब लगाया था, इस बार 5 ओम का बल्ब लगा दिया, यहाँ सप्लाई सेम रहेगा लेकिन करंट की वैल्यू चेंज होगी। अब इसको अपन प्रैक्टिकली देखते हैं। घर में आपकी जो सप्लाई है वो कांस्टेंट सप्लाई आ रही है, कितनी? 230 की रेंज में आ रही है, थोड़ा बहुत ऊपर प्लस माइनस होता है लेकिन सप्लाई कांस्टेंट रहती है। लेकिन घर में जो है आप क्या यूज़ कर रहे हो? एक तो आप कमरे में बड़ा वाला बल्ब यूज़ करते हो, ठीक है, यानी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता होगा, और बाथरूम वगैरह में आप छोटा बल्ब यूज़ करते हो, उसका रेजिस्टेंस कम रहता होगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वोल्टेज तो आपके घर में सप्लाई जो बाहर से आ रही है वो तो फिक्स है ही है, लेकिन करंट की वैल्यू चेंज होती है। ऐसे आप देखो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे मैं कर देता कितना? 1000 कर देता। मान लो मैंने प्रेस कनेक्ट कर दिया, यानी 1000 ओम का रेजिस्टेंस का मतलब मैंने मान लो प्रेस या जो भी हीटर वगैरह कुछ कनेक्ट कर दिया, तो वहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगी? वापस से चेंज होगी, आई इज टू वी अपॉन आर से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप नोट कर लो, करंट अक्रॉस वोल्टेज सोर्स डिसाइडेड बाय लोड।
जल्दी नोट कर लो, फिर मैं करंट सोर्स के बारे में बता दूँ। और जिसको नोट नहीं करना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे नोट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, स्क्रीनशॉट में सारा बेकार हो जाएगा। फिर करंट सोर्स लेता हूँ। चलो देखते हैं करंट सोर्स को। करंट सोर्स का साइन क्लियर। दिख रहा होगा क्लियरली, काफ़ी बड़ा बना रहा हूँ मैं। अगर छोटा लग रहा हो कमेंट में बता देना, मैं आगे से बड़ा बनाया करूँगा। और मान लो इसकी जो करंट सोर्स है ये तो पता ही चल ही रहा है आपको, मान लो इसकी वैल्यू जो है 2 एम्पियर। तो ये यहाँ से इस सर्किट को सप्लाई कर रहा है आपका 2 एम्पियर। आप मुझे ये बताइए अब कि जब ये यहाँ से, तो ये जो सर्किट को सप्लाई कर रहा है आपका 2 एम्पियर सप्लाई कर रहा है, इसके बाद इस दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज कितना है, यानी इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। पिछली बार मैंने क्या किया था, वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगाया था और फिर मैंने आपसे पूछा था कि इसके वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस करंट कितना है। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, करंट सोर्स को मैंने लगाया और करंट सोर्स के अक्रॉस पूछ रहा हूँ कि आपका वोल्टेज कितना है। सेम फंडा यूज़ करेंगे, वैल्यू पुट करके देखते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। आर कितना रखना है इस बार, 1 ओमी रख के देखने पहले। इसकी वैल्यू अपने फिक्स कर गई है, की हुई है 2 एम्पियर, यानी यहाँ से ये सप्लाई कितना कर रहा है 2 एम्पियर। क्लियर। अब यहाँ पे मुझे बताइए, इन दोनों टर्मिनल की मैंने बात करी थी ना, यानी कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में यहाँ पे वोल्टेज कितना हुआ, मतलब इसके अक्रॉस या इसके अक्रॉस दोनों पैरेलल में कितना होगा। V इक्वल्स टू I R, I कितना है 2 एम्पियर, R कितना है 1, कितना आ गया 2। यानी कि रेजिस्टेंस जब यहाँ पे 1 ओम मैंने रखा तो इस करंट सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आ गया आपका 2 वोल्ट आ गया। फिर दूसरा कंडीशन लेके देख लेते हैं। मान लो मैंने इस बार R कितना रख दिया आपका, 2 ओम रख दिया, 2 ओम रख दिया, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज कितना आएगा बताओ। V इक्वल्स टू IR, I 2, R कितना है 2, कितना हो गया 4। क्या समझ में आया, वही जो करंट सोर्स है। करंट सोर्स कौन सा है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट, यानी कि इसकी सोर्स की जो है आपकी रेटिंग 2 एम्पियर है, तो वो 2 एम्पियर ही रहेगी। लोड को अगर मैंने भले ही चेंज कर दिया है, लेकिन इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस, या ये दोनों पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस भी कह सकता हूँ उसको। अपन तो बात इसकी कर रहे हैं तो इसी की बात करते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब इस करंट सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड कर रहा है आपका लोड पे। ये जो रेजिस्टेंस है बेसिकली लोड है। लोड अगर समझ में नहीं आता है तो लोड को ऐसे दिमाग में रख लिया करो, लोड का मतलब बल्ब लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि वोल्टेज अक्रॉस, नोट कर लो, क्लियर। जल्दी नोट कर लो इसको। अगर कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना, क्लियर नहीं दिख रहा हो तो भी मुझे कमेंट में दिखा बता देना, जैसे मैं नेक्स्ट टाइम उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर लूँ, ठीक है। तो
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम और जो इसके बेसिक्स हैं उनको आगे अपन डिस्कस करेंगे।